जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल सब दोस्तों को। आज ये बहुत ही स्मॉल एंड स्वीट मीटिंग है विद फोर ऑफ द लर्नर्स हु हैव स्पेंट मोर देन 100 डेज विद अन अकेडमी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ विद अन अकेडमी। दोस्तों नहीं, आज आप ही के दोस्त जो हर रोज आपके साथ पढ़ते हैं, आज वो अपनी स्टोरी शेयर करने वाले हैं विद अन अकेडमी। और आपके सामने जो चार दोस्त आ रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना पर्दा गिरा दे, अपना पर्दा गिरा दे, सबको अपना अपना चेहरा दिखाए। ईशा, सौंदर्य, पलक एंड आमिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड आज ना मैं आप लोगों को आपकी अदालत में खड़ा करने वाला हूं, और एज एन एंकर मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं कि आप लोगों की रोलर कोस्टर राइड विद अन अकेडमी कैसी रही, क्या क्या सीखा, क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या क्या चीजों पर हमें इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए, ये सारी चीजें स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जनरली क्या रहता है, हम लेडीज फर्स्ट सुनते हैं, लेकिन इन चारों बच्चों में एक अकेला छोरा, एक अकेला लड़का हमारे साथ आमिर है। तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट आमिर, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको उसके साथ मदद करना होगा विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड दैट इज वन थिंग जो आपको बहुत अच्छी लगी अबाउट अन अकेडमी। एक चीज जो सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश करती है अन अकेडमी को विद अदर इंस्टीट्यूट। आमिर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर, आई लाइक अन अकेडमीज कोर्स स्ट्रक्चर, like with just one subscription I can access all the subject of my course intermediate, and subscription is very economical too. आमिर, एक मिनट इंटर रोकूंगा आपको। आपने कहा कि सर विद वन सब्सक्रिप्शन मेरे को सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल गए ऑफ सीए इंटरमीडिएट। आपकी बात ये अच्छी है कि आप इंटरमीडिएट में आके अन अकेडमी से जुड़े, लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन के हैं, फाउंडेशन वाले बच्चों को तो और दो गुना फायदा है। जैसा कि शायद आप लोग सोच सकते हैं, सुन समझ सकते हैं कि 1+1 ऑफर है फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जहां फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का एक सब्सक्रिप्शन है। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं फाउंडेशन चैनल पर, तो आपको फाउंडेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट फ्री मिलेगा। यस आमिर, वन सब्सक्रिप्शन फॉर बोथ। करेक्ट, बिल्कुल। यस आमिर, and sir subscription is very economical too. Correct. And with this economical thing, we people generally have perception that quality will be compromised with a low price tag. Okay. But in this case it's inverse. You got premium educators, and you are one of them. thank you Amir, mere sath baitho, meri tareef to karni hi padegi. No, sir, I can name others too, if you want. आमिर ने बहुत अच्छी बात कही कि सर इतना इकोनॉमिकल है, जहां जनरली एक एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स, इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स, टोटल 12 सब्जेक्ट्स, एट एन एवरेज 8-10,000 का पकड़े, तो इट विल बी मोर देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा होता है अगर हम फाउंडेशन और इंटरमीडिएट साथ की बात करें। लेकिन यहाँ पर सर 12 के 12 सब्जेक्ट, 4 फाउंडेशन के, 8 इंटरमीडिएट के, 12 के 12 सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले तो उसे एट अ प्राइस ऑफ 18,900 आफ्टर यूजिंग द कोड, कौन सा कोड? यस, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। और हिंदुस्तानी है, वैसे सारी चीजें सस्ती चाहते हैं, सारी चीजों पे डिस्काउंट चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई चीज सस्ती मिलती है तो दो बार सोचते हैं, अगर सस्ती मिल रही है तो अच्छी है कि नहीं है, कहीं इंफीरियर क्वालिटी की तो नहीं है। लेकिन जनरल परसेप्शन वी ऑल हैव, हाँ ये नॉर्मल परसेप्शन है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन प्लस वाले, ये चारों जो मेरे दोस्त हैं, ये चारों प्लस की क्लासेस भी ले रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई मैंने इन चारों को पकड़ा कि आप लोगों ने जब हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करी तो इट मस्ट हैव बीन विद यूट्यूब, उसके बाद हम लोग आपके साथ स्पेशल क्लासेस पर मिले, एंड देन द प्रीमियम क्लासेस, द प्लस क्लासेस इज व्हाट दे हैव मतलब डन विद अस, एंड उन्हीं की जुबानी दोस्तों आप लोगों की, मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो ही आप लोग आज सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच आमिर। नाउ मैं किसे पकड़ूं, ईशा को पकड़ लेते हैं। और ईशा, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, दिस वर्चुअल क्लासेस हैपनिंग, ये COVID-19 स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जनरली आप वेस्ट बंगाल से हो, आपने मुझे बताया था कि आप दिल्ली क्लासेस लेने आए थे, लेकिन कोविड के चक्कर में आप वापस चले गए, एंड
एंड कहीं ना कहीं आपको फेस टू फेस क्लासेस की आदत थी, दिस इज मतलब वेरी ड्रास्टिक चेंज कि वर्चुअल क्लासेस, टीचर दिल्ली में बैठा, आप वेस्ट बंगाल में बैठे हो, हाउ डज इट फील? आपको क्या मतलब, हाउ डज इट फील? Sir, earlier I was also habituated to face-to-face classes, but Unacademy totally changed my perception. It showed me the virtual side of education. In the live classes, we have same level of interaction and fun. There is no time boundary for conducting classes. Everything is so comfortable there. बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं हमारी भी यही कोशिश रहती है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 सिचुएशन फेस टू फेस इज एब्सोल्युटली क्लोज डाउन, और ये दिस अनअकैडमी बिग ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप जहां बैठे हैं उसको इतनी अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के आने जाने का टाइम और टाइम से ज्यादा एनर्जी, एनर्जी कॉस्ट एवरीथिंग इज सो इफेक्टिव. Agreed, Isha, with that? Yes or no? Sir, totally agreed. क्या आप honestly दिल पर हाथ रखें, दिल पर हाथ रखें और ये बताएं क्या आप अपने दोस्तों को भी recommend करेंगे on a frank note? If you have to मतलब put an academy's rank from 1 to 10, 1 being the least, 10 being the highest, तो honestly अपने दिल से जवाब दें कि what rank would you give and क्या आप recommend करेंगे अपने दोस्तों को? I would really recommend to all my friends to join Unacademy Plus. It's no advantages of Unacademy. Isha, आपकी थोड़ी सी आवाज अटकी थी, आप फिर से कहें प्लीज, आपकी एक सेकेंड के लिए आवाज अटक गई थी. I would really recommend Unacademy to all my friends. I would give it ranking 10 out of 10. It is just an awesome platform. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much, Isha, for your good words about Unacademy. क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने फील किया है. मैं आप सबको बता दूं, मैं इन्हें पकड़कर, इन्हें पढ़ाकर कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है. This is live extempore with my students. कि भाई आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ विद योर जर्नी विद Unacademy. एंड अब हमारे पास दो दोस्त बचे हैं, सौंदर्य पलक, इनकी पिंकी पौंकी, और मैंने पकड़ लिया सौंदर्य को. सौंदर्य को मैं पकड़ता हूँ और सौंदर्य से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सौंदर्य जनरली क्या होता है कि जब हम लाइव क्लासेस चालू करते हैं तो बच्चे ने पहले दिन से जो अटेंड कर लिया वेल एंड गुड, लेकिन कई बच्चे तो बाद में भी ज्वाइन करते हैं, कई बच्चों की बीच में भी क्लासेस मिस हो जाती है, तो फर्स्ट उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि बैकअप मिलेगा या नहीं मिलेगा. दूसरी चीज, हम कितनी बार इसको देख सकते हैं, इन सब चीजों में हाउ डू यू डील आउट विद दैट? सौंदर्य, ओवर टू यू. ऐसा कुछ नहीं है कि इनके अगर कोई क्लास हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस, मतलब क्या किसी ने थोड़ा लेट लिया हो सब्सक्रिप्शन या फिर कोई और प्रॉपर रीजन जैसा कि हेल्थ इश्यूज या फिर जनरल या भी जो है नेटवर्क इश्यू जो कॉमनली सुनने को मिलता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक बार मिस हो जाए तो इट इज गया, इट्स टोटली वेंट, ऐसा नहीं है. माइक ऊपर, वी हैव बैकअप अवेलेबल फॉर अस. We have backup available for us. And ऐसा नहीं कि backup के लिए भी एक बार देख सकते हो, दो बार देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है. We have unlimited views. And in case अगर हम अपना कोई हम लोग बैकअप लेते हैं, अपने को कोई डाउट आता है, हम लोग जब बाद में जाएंगे लाइव सेशन में, वी कैन आस्क आवर कंसर्न टीचर. एंड अगर फिर भी लाइव में पूछने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग पर्सनली ऐप पे टेक्स्ट कर सकते हैं एडुकेटर को फॉर अवर डाउट्स. कि अगर जस्ट इन केस कोई मिस आउट हो जाए आप उसे बाद में भी देख सकते हैं. और कई बार होता है कि कोई सेशन में कोई डिफिकल्ट टॉपिक होता है तो Unacademy में एक फीचर बहुत अच्छा है कि अगर आपको उस सेशन को बार बार देखना है तो टाइम उतना जाता है, तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड. यस, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, नॉट इन द नॉर्मल स्पीड. बिल्कुल सही कि रिविजन क्लासेस लेते हैं तो रिविजन में हर एक टॉपिक पर हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यस, इंपॉर्टेंट. तो अच्छा, एक चीज और कि Unacademy में सब सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, लेकिन हो सकता है टीचर केमिस्ट्री, टीचर स्टूडेंट केमिस्ट्री थोड़ी कम बैठे. लेट्स से इफ आई टेक माय एग्जांपल, सौंदर्य को टैक्स मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आता. ओके, ऐसे नहीं सर. अच्छा, ऐसा नहीं है. सौंदर्य को वो तो मेरे साथ मीटिंग चल रही है ना, तो अभी सब मेरी तारीफ. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आप कभी भी पूछो, सेम आंसर रहेगा, नो चेंज. सौंदर्य, जस्ट इन केस अगर आपको एक पॉइंट में डिफिकल्टी आती है तो आप टीचर से क्लैरिटी कर लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता थोड़ा सा टीचर के साथ केमिस्ट्री ही कम बन रही है, मतलब उस सब्जेक्ट में ही थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है, तो हाउ डू यू डील आउट विद दैट?
अगर किसी को ऐसा प्रॉपरली वैसा तकलीफ है किसी पर्टिकुलर टीचर का, ऐसा नहीं कि उनके साथ ही दे हैव टू कंटिन्यू द एंटायर कोर्स, बाकी भी टीचर्स अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में, दे कैन चेंज टू देम टू। वेल बहुत अच्छी बात कही सौंदर्या ने, कहा कि सर एक सब्जेक्ट के ना दो से तीन टीचर्स होते हैं सर, बच्चों के लिए तो सर विन विन सिचुएशन है, बूफे लग जाता है टीचर्स का, जिससे जिसको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सौंदर्या, थैंक यू सो मच कि यू हैव मतलब एनलाइटेंड। अभी तक मेरे को तीन दोस्तों ने, आमिर ने बताया कानवे के लिए, ईशा इज सेइंग कि वर्चुअल इज मोर लाइक फेस टू फेस, एंड सौंदर्या इज टॉकिंग अबाउट द मॉडल दैट द अनअकैडमी ऑफर्स, द इट इज मोर लाइक अ मॉडल ऑफ नेटफ्लिक्स ऑफ अमेज़न प्राइम। एक बार देखो और सारी मूवी सारे सीरियल सब कुछ आपके हाथों में। लेकिन पलक, अब आपके पास आता हूँ, लास्ट में आपके पास आता हूँ, और पलक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ना अपनी तरफ से टेक्निकल इश्यू हो तो समझ में आता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा है, वी कैन एक्चुअली गेट टू नो कि अभी क्लास नहीं ले सकते बाद में, लेकिन अनअकैडमी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा बहुत टेक्निकल गूफ अप्स आर बाउंड टू हैपन, तो हाउ डू यू कोप आउट विद दैट? आप लोगों को क्या सपोर्ट मिलता है, हाउ डू यू, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट नहीं, मैं तो एज अ एजुकेटर बता सकता हूँ, आप लोग एज अ लर्नर बताएं कि अगर कोई देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हाउ डू यू डील आउट विद दैट? पलक सर, अनकैडमी में जब भी कोई टेक्निकल ग्लिच आता है किसी भी लाइव क्लास में, तो हमारे पास एक बैकएंड टीम है टेक्निकल की, जिनसे हम वो प्रॉब्लम जब डिस्कस करते हैं तो वो उसको विद इन 60 सेकंड रिजॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है लाइव क्लास में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कभी हमारी स्क्रीन हाफ है या किसी एजुकेटर का पेन ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन टैब डिसेबल है, फिर से हिंड्रेंस ना आए तो हमारी टीम जो है वो 24/7 काम करती है। और आई थिंक यही चीजें जो अनकैडमी को बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफर भी करती है उसकी टेक्निकल टीम। ये बहुत एक पलक ने एम्फेसिस किया कि सर जो ऑन द स्क्रीन होते हैं, चाहे वो एजुकेटर हो या लर्नर हो, जितना क्रेडिट उन्हें जाता है टू मेक अनअकैडमी अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही क्रेडिट हर एक बैकएंड टीम को जाता है, हर एक इंसान जो बिहाइंड द कैमरा है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कैमरे पर हो रही चीजें क्रिस्टल क्लियर चलती जाए। एंड पलक, आपको एज ए लर्नर आपको पता चला कि आप 60 सेकेंड्स में आपकी चीजें ठीक हो जाती है, ट्रस्ट मी हमारी 30 सेकेंड्स में। एज एन एजुकेटर अगर मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक कॉलम होता है जहां पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पीछे जो बैकएंड टीम है उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है कि राठी सर प्लस की क्लास में उन्हें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो द टीम इज देयर राइट इन फ्रंट, मतलब जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर एवरीथिंग गोज स्मूथली। अमेजिंग अमेजिंग दोस्तों, आप लोगों की जर्नी 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, आप लोग सेंचुरी मार चुके हैं विद अनअकैडमी, एंड आई होप कि ये जर्नी हमारी सिर्फ इंटरमीडिएट में नहीं फाइनल तक भी चले। हम लोग आपके नाम के आगे सीए देखना चाहते हैं, सीए ईशा, सीए सौंदर्या, सीए पलक, सीए आमिर, एंड ट्रस्ट मी आई नो कि बैटल आप लोग जाके लड़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो जो बैटल पेन से लड़ी जा रही है, this team is always there in order to help you out, ki wo battle, wo pen should always work in the right direction, should always write the right answers, yes or no? Thank you so much Isha, Amir, Sandarya and Palak for being into aapki adalat, aur aapki adalat mein jo judge sahab hain unhone diya hai ki ye charo bachcho ne sahi jawab diye hain, ye charo bachcho ko A1 से यहाँ पर भी पास किया जाता है, और विश करते हैं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड मेक योरसेल्फ, योर पेरेंट्स, अस द अनअकैडमी प्राउड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, डू गुड, डू वेल, मेक अस प्राउड, थैंक यू गाइस, थैंक यू सर।